दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देखकर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहां पर सेवनटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों काफ्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामवीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए हैं वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्ग से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवर टॉमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने एक कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वालाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये फिल्म यू सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटी परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबिर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिनी और के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए हैं वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉयस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसे दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते के बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवरटमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहित जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वालाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये फिल्म यू सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी ना है सिर्फ़ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज़ हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो की कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो क्यार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबिर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी और नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप, इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्बलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी, टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहां पर सेवनटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों काफ्टिंग की बात करें तो क्यार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबिर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड लीडका यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा से यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवर टॉमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो सहायक यात्रा इन्हीं के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते है तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी भाषा में में लेकिन बाद आगे कर कराया गया मूवी को प्रोड्यूस और किया था फ्राइडे फिल्म ने, जो की कमाल की फिल्म है। अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉक को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहाय जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते है तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फेमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवनटीन लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खैर यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव रोशन माथेव विजय बाबू अक्षय राधा रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल् को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्बलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वालाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू या मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहां पर सेवनटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो क्यार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामवीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्ग से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवर टॉमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा इन्हीं के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने ये कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते है तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ। दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते है तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉफ स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवनटीन लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल् को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपने पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। अब टॉमी तो और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहाय जो सहायक यात्रा इन्हीं के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारा दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा है तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूज सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी ना है सिर्फ़ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज़ हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों काफ्टिंग की बात करें तो यहां पर काफ्टिंग आपको ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लन के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए हैं वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफ़ी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वार्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है ओपलेम के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने ये कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते है तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी भाषा में में लेकिन बाद आगे कर कराया गया मूवी को प्रोड्यूस और किया था फ्राइडे फिल्म ने, जो कि कमाल की फिल्म है। अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहाय जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते है तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉप स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवनटीन लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खैर यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव रोशन माथेव विजय बाबू अक्षय राधा रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है ओपलेम के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपने पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी भाषा में में लेकिन बाद में कर इसे डब कराया गया मूवी को प्रोड्यूस और किया था फ्राइडे फिल्म ने, जो की कमाल की फिल्म है। अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वालाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा है तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा तो ये फिल्म यूज सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू या मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहां पर सेवनटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो क्यार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबिर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड लीडका यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा से यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवर टॉमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो सहायक यात्रा इन्हीं के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो इस आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहाय जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते है तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फेमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉफ स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवनटीन लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने

नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल् को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्याह ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है ओपलेम के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय जरूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी ना सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी भाषा में में लेकिन बाद आगे जाकर इसे डब कराया गया था कमाल की फिल्म है। अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्बलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वालाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा है तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूज सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू या मलयालम में तो ये मूवी पाँच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहां पर सेवनटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबिर रवीना रवि देव मोहन रोशन महाेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड लीडका यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जीनेट देखने में काफ़ी मज़ा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुलू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा से यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर यह कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटेवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाइटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ आ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवर टॉमी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा इन्हीं के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते है तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविजन प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगू कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे हाउस ने जो कि कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए है वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉ को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अम्लू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सहाय जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे जरूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस हॉट स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टी पर देखा था जब ये मूवी टी पर आई थी जो जी सिनेमा का टी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते है तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो गए जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहाँ क्या देख आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म यूथ सेंसर्ड है तो आप बिंदास पूरी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का एक घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉफ स्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर सेवनटीन लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी मलयालम भाषा में लेकिन बाद में आगे जाकर इसे डब कराया गया अन्य भाषा में इस मूवी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्राइडे फिल्म हाउस ने जो कि एक कमाल की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खैर यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव रोशन माथेव विजय बाबू अक्षय राधा रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए वो वाकई ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथेव जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉक की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल् को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रा यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वार्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है ओपलेम के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिव कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कोकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाटी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपनी पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी तो और अमलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य साह जो शाई की यात्रा के ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक डॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को ज़रूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी जरूर जो है देने वाला हूँ दोस्तों मैं आज आपको साउथ की एक कमाल की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम वेलाटी है और दोस्तों आप भी अगर इस कमाल की फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी साउथ की कुछ हटके फिल्म देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी लोग सही जगह पर आ चुके हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फिल्म वेलाटी के बारे में हालांकि इस मूवी का कुछ टाइम पहले टेलीविज़न प्रीमियर कराया गया था और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिली थी पहले ऐसा लग रहा था कि ये मूवी स्टार गोल्ड पर आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये मूवी हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल गई हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इस फिल्म को देखा होगा या फिर यहाँ तक आप पहुँचा हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो देखी है कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने कोई रील्स देखी है फिर इस मूवी को देखना जा रहे हैं तो वैसे में दोस्तों आप कहा क्या देख कर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा तो ये फिल्म सेंसर्ड है तो आप फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं और मूवी के अंदर कॉमेडी एडवेंचर स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी और रन टाइम इस मूवी का घंटा और लगभग पचास मिनट का है और इसकी आई एम डी बी टेन आउट ऑफ सेवन की है चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी आपको पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आप सभी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी न सिर्फ हिंदी में बाकी अगर आप अन्य भाषा में देखना चाहते हैं जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ा या मलयालम में तो ये मूवी पांच भाषा के साथ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की हिंदी रिपिंग बहुत ही बेहतरीन कराई गई है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर सेवेंटीन परसेंट लोगों ने इसे लाइक भी किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था देवन जया कुमार ने हालांकि ये मूवी रिलीज हुई थी भाषा में में लेकिन बाद आगे कराया गया मूवी को प्रोड्यूस और किया था फ्राइडे फिल्म ने, जो की कमाल की फिल्म है। अगर हम दोस्तों कास्टिंग की बात करें तो खार यहाँ पर कास्टिंग आपको वॉश ओवर के रोल में ही देखने को मिलेंगे जिनके अंदर महिमा नामबीर रवीना रवि देव मोहन रोशन महादेव विजय बाबू अक्षय राधा कृष्णन रोहिणी नस्लैंड के कपूर भी आपको देखने को मिलेंगे स्वाबिन साहिर सनी व्याने सुरेश रजनी हरिदास मेजर रवि सज्जू कुरूप इंद्रांश श्रीकांत मुरली ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म के अंदर दोस्तों शामिल है और सभी का दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर यहाँ पर दोस्तों जो लीड कास्ट यहाँ पर जो निभाए गए हैं वो वाकई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जिन्हें देखने में काफी मजा आपको दोस्तों आने वाला है चलिए एक नज़र इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की तरफ डालते हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ कास्ट के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर रोशन माथे जो है वो वॉइस दिए है टॉमी नाम के एक डॉग की इसके अलावा रवीना रवि यहाँ पर अमुल्लू को वॉइस दिए है स्वाबिन साहिर यहाँ पर हरिदास और कालीदास को वॉइस दिए है सनी व्या ने यहाँ पर ब्रूनो को वॉइस दिए है इंड्रस यहाँ पर एक ओल्ड डॉग को वॉइस दिए है और अज्जू वर्गे से यहाँ पर पुवन को वॉइस दिए हैं ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे किरदार जो है फिल्म में है और सबका दोस्तों काम वैसे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलने वाला है खासकर ये जो स्टोरी दोस्तों चलती है वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसी दोस्तों फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है फैमिली के साथ देखने के लिए तो अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हैं तो बिंदास दोस्तों आप इसे ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि तो दोस्तों ये फैमिली के साथ देखने लायक एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जा सकती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो हालांकि यहाँ पर ये कहानी जो होती है वो फिल्म के अंदर टॉमी नाम का एक गोल्ड रिटिवर कुत्ते होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पाले गए अमालू नाम के एक कुकर स्नेपियन कुत्ते की बीच की जो प्रेम कहानी है वही दर्शाती है अब यहाँ पर टैमी जो होता है इनकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है जिसके अंदर कई सारी बाधाएं आती है साथ ही यहाँ पर कॉमेडी भी होगी वेलाडी इस फिल्म का जो दर्शक है इनको काफ़ी बेसब्री से वेट भी था कि हिंदी में कब आए लेकिन इसके रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छे आए और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया है तो अगर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी जो बताने की कोशिश करूँ तो कि आप समझ सकते हैं आसानी से या फिर अगर आप लोग इसका टेलर देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी समझ ही जाएगी तो यहाँ पर जो लीड कहानी दोस्तों रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन रिटिवी की होती है जो कि अपने पड़ोसी अमलू जो कि एक कोकर स्पेनिशन से प्यार हो जाता है हालांकि बाद में वो जो गर्भवती होती है और उनके मालिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं अब टॉमी और अम्बलू भागने का फैसला करते हैं और एक महाकाव्य सही जो सहायक यात्रा इनके ऊपर निकल पड़ते हैं मतलब आपने कहानी सुनी होगी जहाँ पर एक लड़का लड़की भागते हैं लेकिन यहाँ पर एक ढॉग और उसकी जो मतलब गर्लफ्रेंड वो यहाँ से भाग जाएंगी अब वो भाग के निकल तो जाते हैं लेकिन कितनी सारी बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है ये दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है ये फिल्म दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक कमाल की फिल्म रहने वाली है तो आप इस मूवी को दोस्तों मिस मत करिएगा आप मूवी को जरूर एक बार देखिए मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों निराश नहीं होने देंगी फिल्म के अंदर बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपके दिल को छूने वाले हैं और ये फिल्म भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे दोस्तों उम्मीद है ये मूवी आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी साथ ही में ये फिल्म आपको एंड तक बांधे ज़रूर रखेंगी तो जाइए दोस्तों डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को दोस्तों एंजॉय ज़रूर करिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है मैं आपको जरूर मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों फिल्म वैसे तो काफ़ी अच्छी है मैंने इसे टीवी पर देखा था जब ये मूवी टीवी पर आई थी जो जी सिनेमा का टीवी चैनल था वहाँ पर जब इसे रिलीज़ कराया गया था तब मैंने इस फिल्म को देखा था और ये मूवी मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी थी तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी फिल्म आपको जो है वो अच्छी लगेंगी और आपको भी ये मूवी दोस्तों निराश नहीं होने देंगी तो खैर इस मूवी को आप देखिए आपको कैसे लगती है आप मुझे बताइए फिलहाल तो ये मूवी दोस्तों जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूट्यूब पर आते है तो भी मैं आपको जानकारी ज़रूर जो है देने वाला हूँ